एक बार एक ब्राह्मण को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी विधवा ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया तो तुलसीदास ने उसे सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया। सौभाग्यवती का अर्थ है वह महिला जिसका पति जीवित हो। विधवा ने तुलसीदास को बताया कि उसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई है, इसलिए उनकी बात सच नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने कहा कि यह बात उनके होठों से निकल चुकी है, इसलिए वह उसके पति को जीवित कर देंगे। तुलसीदास जी ने राम का नाम लिया और ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया। यह सुनकर कि तुलसीदास किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, अकबर ने उनको बुलाया और चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि यह झूठ है, मैं तो केवल राम को जानता हूँ। अकबर बोला कि अगर ऐसा है तो राम को प्रकट करो, हम राम को देखेंगे। तुलसीदास जी के मना करने पर उसने उन्हें फतेहपुर सीकरी में कैद कर लिया। कैद में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और इसका जाप किया। 40 दिनों के बाद शहर में अचानक बंदरों की एक सेना आई और उन्होंने पूरे शहर में कहर बरपा दिया। एक हाफिज ने अकबर को बताया कि यह कैद में बंद तुलसीदास का चमत्कार है। ये सुनकर अकबर ने तुलसीदास से क्षमा मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। तब से अकबर तुलसीदास जी का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने एक फरमान भी सुनाया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयायियों को परेशान नहीं किया जाएगा।